हेलो बच्चों, तो आज अपन फाइनली बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इसरो इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, एरोस्पेस एंड अदर कोर्सेस, इंजीनियरिंग कोर्सेस इन दिस इंस्टीट्यूट। ओके, तो इसके लिए फर्स्टली आपको जो है जेईई एडवांस के अंदर जो हाईली रैंक लानी पड़ती है, ठीक है। तकरीबन अगर आपकी रैंक 200 या फिर ऑलमोस्ट 300 तक है तो आपका जस्ट इजीली हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा तो सीटें है ही नहीं वैसे, ठीक है। तो अगर जैसे फर्स्ट एटलीस्ट 200-300 वाले आईआईटी के अंदर ले ले तो फिर तुम अगर आगे वाले हो तो भी मिल सकता है। लेकिन अगर जिस ऑलमोस्ट बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो इसकी थोड़ी रैंक जेईई एडवांस में हाई चली जाती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1500 भी चली जाती है, 2000 भी जा सकती है, ठीक है, जेईई एडवांस की। लेकिन सभी को नहीं मिल सकता, ओनली फॉर जो एरोस्पेस के अंदर इसके पास सिर्फ 60 सीटें ही हैं। तो जैसे ये जो है 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 2007 के अंदर तिरुवनंतपुरम के अंदर, एंड दिस इज प्रोवाइडिंग एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। एंड यहाँ से जो है इसरो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट कर लेता है उसकी वैकेंसी के हिसाब से, जैसे उसके पास जॉब वगैरह होती है। तो ये जस्ट इसने कुछ प्रोसेस डाला है रिगार्डिंग इस साल एडमिशन के, तो ज़रा चेक कर लेते हैं क्या सिस्टम है इसका। ओके, तो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये जो ड्यूअल डिग्री दे रहा है 5 साल की, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस यानी एमटेक बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस साइंस, देन ये जो है मास्टर्स ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉमी, मास्टर ऑफ साइंस सॉलिड फिजिक्स आर्ट और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी दे रहा है, ठीक है, इन कोर्सेज के अंदर। और जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसी दिन इसका जो पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा रिगार्डिंग एडमिशन, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, अब इसके अंदर सभी का तो एडमिशन हो नहीं सकता, तो क्या ऐसा कोई एरोस्पेस के गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं इंडिया के अंदर, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें तो IIST है, GNTU है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। तो बात कर लेते हैं कुछ डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस की एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। इंडिया इस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट बिलीनियर्स जो हैं, अगर जेफ बेजोस हैं, इलोन मस्क हैं, तो टाटा इंडस्ट्री है, विप्रो इंडस्ट्री है, जैसे इंडिया की अग्निकुल टेक्नोलॉजीज है, और भी ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट जो भी बिलीनियर है वो सारे के सारे इस इंडस्ट्री के अंदर है, स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो अभी जस्ट ये बूम पर चल रहा है कोर्सेस, ठीक है, चारों और मार्स 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 ये छाया हुआ है, तो इट्स वेरी स्कोपेबल है, ठीक है, स्कोप है इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वैसे सिविल वगैरह का स्कोप नहीं बचा, लेकिन जस्ट ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इंडिया के अंदर इसके अंदर जो है कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, और जॉब्स लिमिटेड है, लेकिन ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर अब आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हो तो ऑलमोस्ट 4 साल बाद आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है, ठीक है। इंडिया के अंदर भी इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत कम है, तो जस्ट इंजीनियर बहुत ही कम पैदा होंगे इसके अंदर, तो हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट की जो कि डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं आपको, तो चलिए। ओके बच्चों, तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है अभी, ठीक है, ये जो IIST इसरो इंडिया है, ठीक है, जेईई एडवांस के बेस पे ले रहा है अभी, PSIIC पटियाला है, ठीक है, इसको जस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एंड दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस इन पटियाला कैंट पंजाब, ठीक है, और जो एयरफोर्स बेस होता है उसके अंदर सिचुएटेड है। दिस इज प्रोवाइड एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड ये जो है कनेक्टेड है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो इसकी काउंसलिंग के जरिए डायरेक्ट इसके अंदर एडमिशन मिल जाता है, तो आपका इजीली हो सकता है, अभी जस्ट सीटें अवेलेबल हो सकती है। अगर आप जस्ट थोड़े दिन बाद इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है सीट ना बचे, अगर आपकी जे रैंक भी बहुत अच्छी हो फिर भी आपको एडमिशन ना मिले। तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अप्लाई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आपको जस्ट वहाँ पे काउंसलिंग फीस पे करके इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, और जो ये एरोस्पेस और एरोनॉटिकल के अंदर बीटेक फोर ईयर डिग्री प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इट्स वेरी गुड कॉलेज, देन पेक चंडीगढ़ है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके लिए आपको जस्ट 200 से काउंसलिंग करनी होगी एंड दिस इज अ चीप के, ओके, एंड दिस इज अ फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, PSAC पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो मोबाइल नंबर भी दिया गया, आप इन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके, जस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड इन मिलिट्री बेस, तो इट्स वेरी गुड, ओके बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये कितने सारे आर्मी के ट्रक वगैरह। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे बाबा। और एडमिशन के रिगार्डिंग नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट ये दो ही इंस्टीट्यूट नहीं है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो यू कैन कॉन्टेक्ट। थैंक यू सो मच।